ई e, हमने फाइव वेरिएबल्स ले लिए। इन दिस केस जो अवेलेबल है हमारे पास, उसके पास इनपुट्स कितने हो गए? थ्री। आउटपुट्स कितने हो गए? आठ। ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ थ्री इज टू आठ डिकोडर्स, व्हिच इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय अवेलेबल आउटपुट स की फोर इन्स की, की आउटपुट पर तो हमारे फोर थ्री टू एट लगेंगे ये हमारा थ्री इज टू एट नेक्स्ट हमारा थ्री इज टू एट ये नेक्स्ट हमारा थ्री इज टू एट वन मोर थ्री इज टू एट ठीक है अब ये जो आउटपुट होगी ये ओ नोट टू तो ओ सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आउटपुट्स से यहाँ पर ठीक है ओ वन ओ टू ओ थ्री ओ फोर ओ फाइव ओ सिक्स ठीक है यहाँ पर क्या शुरू होगा ओ एट ओ नाइन ओ टेन ओ इलेवन ओ टल्व ओ थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन, 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 फिफ्टीन ठीक है एट आउटपुट्स इसके इसके जो शुरू होंगे ओ सिक्सटीन टू ओ यहाँ कहाँ तक होंगे ओ सिक्सटीन टू ओ ट्वेंटी थ्री एट आउटपुट्स इसके दिस विल स्टार्ट फ्रॉम ओ ट्वेंटी फोर ओ मीन्स आउटपुट और एंड कहाँ पर होगा ओ थर्टी वन पर ठीक है क्योंकि ये थर्टी टू काउंट कर रहा है थर्टी टू काउंट कर रहा है मीन्स कि इसकी रेंज क्या होगी जीरो टू थर्टी वन ठीक है ये आउटपुट की रेंज हो गई आप इसके थ्री इनपुट इन तो को कॉमन कर लेते हैं सी डी ई सी डी ई ही क्यों कॉमन होंगे अगर आप फाइव वेरिएबल्स हैं आपके पास ए बी सी डी ई आप काउंटिंग अगर लिखते हो बाइनरी में तो जीरो 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 से लेकर जीरो जीरो टेल वन वन ठीक है ये जो एट कॉम्बिनेशन होते हैं जीरो टू सेवन ए बी इट कैन बी रिटर्न जब जीरो से लेकर जब आप लिखते हो जीरोन के लिए वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए बी ए बी की वैल्यू क्या है जीरो वन यहाँ पर मीन्स की इट कैन बी रिटर्न बार बी ठीक नेक्स्ट फिफ्टीन तक हो गया नेक्स्ट जब आप सिक्सटीन टू प्लस सेवन कितना होता है ट्वेंटी थ्री मीन्स की सिक्सटीन टू ट्वेंटी थ्री के लिए वॉट इज द ए बी ए बी इज इक्वल टू वन जीरो मीन्स की इट कैन बी रिटर्न नाउ ऑनवर्ड्स मीन्स की ट्वेंटी फोर टू थर्टी वन ठीक है ट्वेंटी फोर टू थर्टी वन ए बी इज इक्वल टू क्या है 1, 1, ये कॉम्बिनेशन होंगे और बाकी ये जो सी डी e की वैल्यू है ये एवरी एट ग्रुप पर एट एट के ग्रुप पर सेम होगी ठीक है तो हम यहाँ पर इनपुट पे क्या लेते हैं थ्री इनपुट्स लेते हैं ये हो गया हमारा बी सॉरी बी नहीं पीछे से एल एस बी साइड से सी डी ई दिस विल बी कॉमन विथ ऑल फोर तो मैं ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ डन ये हो गया हमारा सी ये हो गया हमारा डी नेक्स्ट हम लेते हैं ई e को ये हमारा इ कनेक्ट हो गया ठीक अब ये फोर हो गए हमें इनपुट्स कितने की चाहिए फाइव की आउटपुट थर्टी टू आउटपुट तो हमें मिल गई अब हमें इनपुट फाइव चाहिए और किस टाइम पे क्या इनेबल होगा कैसे डिसाइड करेंगे तो हम एक इनपुट पर यूज करेंगे टू इज टू फोर ठीक है टू इज टू फोर की इनपुट्स क्या होंगी ए बी तो ए बी सी डी ई ठीक इसकी कितनी आउटपुट्स होंगी फोर आउटपुट्स ठीक है ये ओ नॉट ओ वन ओ टू ओ थ्री ठीक है ओके तो ओ नॉट कब एक्टिव होगी बेसिकली ओ नॉट जो, जो होगी आपकी ओ नॉट की वैल्यू क्या होगी ओ नॉट जो आपकी है ये है आपकी ए बार बी बार मीन्स की वेन बोथ इनपुट्स है जीरो तो ओ नॉट हमारा हाई होगा ये है ए बार बी मीन्स की ए इज जीरो बी इज वन तो ओ वन पर हमें हाई मिलेगा दिस इज ए बी बार मीन्स की ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू जीरो है तो हमें ओ टू पर हाई मिलेगा वेन बोथ इक्वल टू वन तो हमें ओ थ्री पर हाई मिलेगा ठीक और ये जो चारों है फर्स्ट वाली जो है ये कहाँ कनेक्टेड होगी फर्स्ट के इनेबल से सेकेंड जो है ये कहा कनेक्टेड होगी सेकेंड के इनेबल से थर्ड जो है ये कहाँ कनेक्ट होगी थर्ड के इनेबल से Third जो है, ये फोर्थ वाली जो है वो कहाँ कनेक्टेड होगी फोर्थ से ठीक है ये ए बार B बार फर्स्ट के लिए इनेबल ए बार बी सेकेंड के लिए इनेबल ए बी बार थर्ड के लिए ठीक है ए बी फोर्थ के लिए ठीक कोई एक एग्जाम्पल लेके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सपोज मैंने ये लिया सिक्सटीन ठीक है अगर हमने ये सिक्सटीन वाला कॉम्बिनेशन लिया वन जीरो 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 तो हमारा ओ सिक्सटीन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, ये हमें हाई मिलेगा ओ हाई मिलेगा अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है सी डी ई की वैल्यू क्या है ए बी ए की वैल्यू है वन बी की वैल्यू क्या है जीरो सी की वैल्यू क्या है जीरो डी की वैल्यू जीरो ई e की वैल्यू जीरो ठीक है अगर सी डी ई की वैल्यू जीरो जीरो है तो ये ये ऑल फोर पर क्या जाएगी जीरो जीरो और जीरो जीरो जब भी हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट कौन सा हाई होगा ओ जीरो फॉर फर्स्ट ओ एट फॉर द सेकेंड ओ सिक्सटीन फॉर थर्ड एंड ओ ट्वेंटी फोर फॉर लास्ट ठीक अब डिसाइड होगा कि आउटपुट कैसे मिलेगा वैल्यू क्या है वन जीरो वन जीरो मीन्स की ए बी बार मीन्स की जब हमने यहां पे वन और जीरो दिया तो हमें हाई कहा मिलेगा हमें हाई मिलेगा ओ टू पर O2 पर मीन्स की दिस वन ये हमारा हाई होगा अब ये किससे कनेक्टेड है इससे मीन्स की इसकी नेबल पे वन गया इसकी नेबल पे जीरो गया इसकी नेबल पे भी जीरो गया और लास्ट की नेबल पे भी जीरो गया तो जिसके भी नेबल पे जीरो गया मीन्स की ये क्या होगा ऑफ सेकेंड वाला क्या होगा ऑफ थर्ड वाला क्या होगा ऑन एंड फोर्थ वाले पे भी जीरो हो गया मीन्स कि इट विल बी ऑफ ठीक है तो जो ऑन होगा उस पर ही आउटपुट मिलेगी जो ऑफ हो गया तो वो आउटपुट कैसे जनरेट करेगा मीन्स कि हमें आउटपुट कहाँ मिलेगी ओ सिक्सटीन पर ठीक है थैंक यू सो मच